हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज है सोमवार और ये सुबह सुबह का टाइम है। छः तो नहीं बजा, 6:30 हो रहा है अभी। 6:30 हो रहा होगा, पता नहीं, मैं टाइम नहीं देखी। और आज मैं ही दिखाने वाली हूँ अपना डेली ब्लॉग, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी हमारा बर्तन वर्तन हो गया है और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन को भी इधर साफ़ कर ली हूँ और बस ये सिंक को धोना बाकी है। तो अब सिंक में मैं डालूँगी सर्फ और अब बस इसको थोड़ा सा घिस घिस के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा गंदा सा हो गया था एकदम। तो इसको अच्छा से घिस ले रही हूँ और मैं ज़्यादातर ना इसको सर्फ से ही साफ़ करती हूँ। मेरा हो गया है ये वाला भी और अब मैं इसको धो लेती हूँ फटाफट, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है मेरे को। और ये जो नल है ना, बहुत पास पास है तो यहाँ पर ना बिल्कुल धोते नहीं बनता मेरे से। ऐसे यहाँ पर बर्तन भी धोगे ना तो एकदम झुक के धोना पड़ता है, इससे कमर दर्द हो जाता है। मैं सोच रही हूँ इसका जो ये है ना, इसको नल को बदलवाना है। वो जो ऐसे लंबा वाला ऐसे घूम के जो आता है ना, वो अच्छा रहता है, उसी को लगवाना है। पर अभी नहीं लगा सकते, टाइम लगेगा अभी हमें। एक तो कोई इधर वाले को बदलवाना है, ठीक हो जाएगा ये। और अभी मैं यहाँ नाश्ता के लिए प्याज काट रही हूँ। मैं अभी आलू फ्राई करूँगी और रोटी बनाऊँगी पराठा। और मैं बस इसमें डालूँगी सरसों, जीरा, हरी मिर्ची, बस। जी नहीं, आ गई थी अभी हल्ला गुल्ला करने के लिए। हल्ला गुल्ला करके चली गई। और ये देखिए यहाँ पर मेरा आलू बन गया है। और ऐसे वाला ना आलू सब्जी बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठा, जो सबसे पहला पराठा बन रहा है जेनी के लिए, छोटा सा। अभी जेनी बैठी है, ब्रश व्रश करके आ गई है और वो देख रही है कब बनेगा कब बनेगा। और आज जेनी को थोड़ा खांसी हो रहा है, रात में तो बहुत ज़्यादा खांसी था उसको। अभी गर्मी था ना तो ठंडा वंडा सब क्या क्या पी लिए हैं रात वात में, आइसक्रीम खा ली है, अब गला ख़राब करके बैठ गया। होता ही है बच्चों को, क्या करेंगे। तो अब नाश्ता के बाद ना मेरे को धोना है कपड़ा, मशीन में डालना है। और यही रहा, अभी इसके पापा सुबह से ना ऑफिस गए हुए हैं, अभी आएंगे 10:30 बजे, उसके बाद वो भी नाश्ता करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे फिर जाएंगे। तो ये रहा जेनी का नाश्ता और अब हमारा भी हो गया है। तो मैं यहाँ पे मशीन में कपड़ा लगा दे रही हूँ और कुछ कुछ हाथ से धोने वाला कपड़ा है जो बाहर में धुल जाएगा वो। ये सब बाकी कपड़ों को मैं बाहर ले जाके डुबा दूंगी बाल्टी में। और थोड़ा सा सरफ कम लग रहा था तो मैं फिर से सरफ डाल दी उसमें। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, अब बिस्तर इस तरह ठीक कर लेती हूँ। अभी ठंडी हो गया था ना तो हम लोग अंदर आ गए थे, अब फिर हम लोग को सामने रूम में जाना पड़ेगा सोने के लिए। आज से फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गया है। कल भी गर्मी था वैसे, पर यहीं बिछा हुआ था बिस्तर तो हम लोग यहीं सो गए थे। आज फिर सामने सोना पड़ेगा, सामने में कूलर है ना तो वहाँ थोड़ा हो जाता है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। और कूलर को ना खिड़की में ही लगाओ तभी वो ठंडा करता है, नहीं तो नहीं करता। ये तो हम लोग यहाँ पर दरवाज़ा के पास रखते थे इस रूम में जब सोते थे तो पहले कूलर को, तो ये और ज़्यादा उमस उमस हो जाता था। वो कूलर सिर्फ खिड़की के लिए ही होता है। और बस मैं यहाँ पर सब तय करके रख देती हूँ।
जेनी को बोल रही थी तो थोड़ा सा ठीक कर दे ताकि मेरे को फिर ऊपर चढ़ना ना पड़े। कर दिए, हो गया इसका काम, तो हो गया मेरा यहाँ का काम पूरा। ऐसे झाड़ू पोछा तो लग गया है। ये फ्रिज को साफ करना जो मैं कर नहीं पा रही। अच्छा, सामने में जो हमारे घर के साइड में सब्जी बेचते हैं ना, वहाँ से मैं भी सब्जी लेके आई हूँ। कुछ कुछ टमाटर, धनिया पत्ती, कद्दू और क्या, करेला। करेला तो इन लोग कोई खाते नहीं है, बस मैं और इसके पापा खाते हैं। दो जन है करेला खाने वाले। और अभी मैं आ गई हूँ इस अलमारी का हालत देखो एक दिन में क्या हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ साथ में इसको भी ठीक कर देती हूँ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग फिर मिलते हैं एक कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नहीं, अभी थोड़ा सा और। साथ में जमा दो ना तो ज्यादा नहीं बिखरता है, नहीं तो बहुत बिखर जाता है। और यहाँ पर जेनी क्या कल थोड़ा सा सेव लेके रखी है, छोटा छोटा वाला पैकेट। और अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल में, इसको थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। यहाँ पर भी सब कुछ कुछ सामान बिखरा हुआ है, पूछ लेती हूँ और थोड़ा ठीक ठाक कर देती हूँ। वैसे अब मेरा पूरा काम हो ही गया है, बस खाना बनाना बाकी है। तो अभी मैं बनाऊँगी वही कुमड़ा की सब्जी और चावल, बस दाल वाल नहीं बनाऊँगी मैं, एक सब्जी बस। बाय बाय।